स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप कि आप सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी को। आइए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे बेटा। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा चल रहा था लेशन में। कौन सा? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ये चल रहा था। हमने बहुत कुछ कर लिया है बेटा इसमें। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बहुत सारी चीजें हो गई है। अगली हेडिंग डालेंगे बेटा टेंशन। क्या डालेंगे हेडिंग? नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे बेटा वो डालेंगे टेंशन। अगली हेडिंग जो डालेंगे वो टेंशन डालेंगे बेटा। ठीक है, टेंशन डालेंगे। क्या होता है टेंशन? जिंदगी में टेंशन तो बहुत सारी होती है। लाइफ के में टेंशन और फिजिक्स की लैंग्वेज में इस टेंशन का मतलब कुछ दूसरा है। फिजिक्स की लैंग्वेज में स्टूडेंट्स इस टेंशन का मतलब कुछ दूसरा है। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि टेंशन का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स लिखेंगे व्हेन एनी वेट सस्पेंडेड का मतलब होता है बेटा लटकाना। अगर कोई वेट लटकाया जाए, लटकाना होता है। ठीक है, व्हेन एनी वेट सस्पेंडेड सस्पेंडेड बाय एन स्ट्रिंग बाय अ स्ट्रिंग When any weight suspended by a string a force acts upward a force acts upward direction of the weight suspended is called tension। बेटा समझाएंगे क्या होता है, पहले आप इसको लिख लो। When any weight suspended by an string, a force acts upward direction of the weight suspended। जो weight suspended है उसके upward direction में एक बेटा force लगता है जिसे tension कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? एक tension कहते हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना लीजिएगा आप। मान लेते हैं कोई सस्पेंशन पॉइंट है बेटा। यहां से एक स्ट्रिंग में एक गोले को लटकाया जाता है। यहां से एक स्ट्रिंग में बेटा क्या लटकाया जाता है? एक गोले को लटकाया जाता है। मान लेते हैं इसका मास m है। इसका मास बेटा क्या है? m है। तो ग्रेविटी की वजह से बेटा एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा बेटा वो mg होगा। डाउनवर्ड फोर्स जो लगेगा बेटा वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू होगा बेटा mg डाउनवर्ड। ये नीचे लगेगा तो ये जो रस्सी जो हमारी स्ट्रिंग है क्या है बेटा? ये स्ट्रिंग है। ये क्या है? स्ट्रिंग है। इस पे ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी को कहा जाता है टेंशन। क्या कहा जाता है? टेंशन। ब्रैकेट में टी से डिनोट करते हैं। नीचे की तरफ एमजी लगेगा, उसी के अपोज में ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट उसी को टेंशन कहा जाता है।
टेंशन हमेशा सस्पेंडेड वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपको कि जो टेंशन होता है टी एक तरीके का फोर्स होता है जो सस्पेंडेड वेट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सस्पेंडेड जो वेट सस्पेंड किया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगता है, इस बात का ख्याल रखें आप। ग्रेविटी की वजह से एक वेट फीस होगा बेटा, एक फोर्स लगेगा वो एमजी हो जाएगा और इसी के विरोध में एक फोर्स इसी स्ट्रिंग पे लगेगा उल्टी साइड में जिसे टेंशन कहा जाएगा, दैट विल कॉल्ड बेटा टेंशन। समझ में आएगा? हाँ। और ये जो एमजी होगा बेटा इसी को वेट, ये जो एमजी होता है इसी को डब्ल्यू कहते हैं वेट। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रहा है ना? वेट और ये किसकी तरफ लगेगा? डाउनवर्ड अर्थ लगेगा, अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो वेट लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ जो होगा वो टेंशन होगा। क्या होगा? वो टेंशन होगा। क्लियर हो रही है बात? चलो ओके, आगे आ जाते हैं बेटा। अगली हेडिंग चेकआउट करेंगे, अगली हेडिंग देखेंगे। ये तो टेंशन था, आप याद रखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिफाइन द टेंशन। इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे स्टूडेंट, इस पे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, याद रखना। इस पे क्या बनेंगे? न्यूमेरिकल बनेंगे। अगली हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा, अगली हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग डालेंगे। फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग बेटा, ये हेडिंग डाल दीजिए आप स्टूडेंट, ये हेडिंग डाल दीजिए आप। ये हेडिंग डाल दीजिए, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की वजह से फोर्स। मान लेते हैं बेटा कोई दो कॉर्नर है और यहां पे एक स्प्रिंग है, ये पी है और ये क्या है बेटा? क्यू है। ये पी है और क्यू है बेटा। इस पे इस कंडीशन में, ये पहली कंडीशन है, ये लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन बेटा, फर्स्ट कंडीशन, नो फोर्स इज अप्लाइड, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स इज अप्लाइड। नॉर्मल कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, अगर बेटा इसको फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, फैला दिया जाए, ये पॉइंट पी से एक्सटेंडेड है कुछ इस तरीके से, जब ये फैल जाएगा पी क्यू, ये जब फैलेगा बेटा ज्यादा, जब ज्यादा फैल जाएगा, इसे कहा जाता है स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ये स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हो जाता है बेटा, दिस इज स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। जब बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे और स्प्रिंग को पूरी तरीके से खींच देते हैं तो इसे स्ट्रेच्ड स्प्रिंग कहेंगे। और एक तीसरी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है बेटा, जब इसी को थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, पी और क्यू है, इसमें जो स्प्रिंग आ जाए थोड़ा सा दबा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जैसे ही छोड़ा जाता है स्प्रिंग को बेटा, ये सिकुड़ जाता है,
सिकुड़ जाता है तो कंप्रेस्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग। जब बिल्कुल सिकुड़ जाती है स्प्रिंग तो कंप्रेसिंग होता है, फैलती है बेटा तो स्ट्रेचिंग होता है। स्ट्रेच का मतलब फैल जाना और कंप्रेस का मतलब बिल्कुल सिकुड़ जाना होता है। ये नोट कर लीजिए आप, हो गया बेटा। ठीक, चलो अगली हेडिंग डालेंगे बेटा। जो हमारा अगली हेडिंग होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। स्टूडेंट्स अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बेटा। चलिए लिखेंगे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस When a force is applied on a surface, a new force start acting, to the perpendicular of the surface, called normal reaction force. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस अन्य फोर्स स्टार्ट एक्टिंग टू द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। देखेंगे बेटा एक चीज, ऐसे मान लो ये कोई स्लोपिंग सरफेस है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। इसका वेट अगर यम है तो बेटा यहां पे एक फोर्स नीचे की तरफ, वेट इसका जो भार होगा वो एमजी होगा, इसके परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर, इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं।
नॉर्मल फोर्स हमेशा जो सस्पेंडेड फोर्स होता है या सस्पेंडेड वेट होता है उसके बराबर होता है बेटा। ये आज जो एमजी होता है, ये जो एमजी आप देख रहे हैं, ये वस्तु का भार भी है जिसे वेट कहते हैं, और बेटा ये एक तरीके का फोर्स भी है। फोर्स क्योंकि एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, एक ही जगह बेटा यहाँ पे ग्रेविटी जी आ जाता है तो ये एमजी हो जाता है बेटा। बस ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मुझे लगता है आपको बेटा ये बात समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे बेटा, कल इस लेशन का अंत हो जाएगा। आई विल एंडिंग ऑल दिस क्वेश्चंस, ऑल दिस लेशन टुमारो, आई विल स्टॉप दिस लेशन टुमारो, फिनिश दिस लेशन टुमारो। टिल देन एंजॉय योर लाइफ एंड डू द हार्ड वर्क, स्टिल स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।